सीबीआई की पूछताछ को लगातार 6 दिन से सामना कर रहे कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की पहचान एक होनहार छात्र और युवाओं के आदर्श से रहने से लेकर सीबीआई जांच के घेरे में आरोपों का सामना कर रहे व्यक्ति की हो गई है। आपको बता दें कि संदीप घोष ने कोलकाता से 80 किलोमीटर दूर स्थित बनगांव हाई स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी की और पढ़ाई के बाद डॉक्टर प्रशासक के तौर पर उनकी तरक्की से बनगांव के युवा उन्हें अपना आदर्श मानने लगे। अब एक महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया और उस क्रम में संदीप घोष पर लग रहे गंभीर आरोपों से बनगांव के लोग स्तब्ध हैं। आपको बता दें कि घोष ने मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा पास की और आरजी कर मेडिकल कॉलेज में अध्ययन किया और साल 1994 में MBBS किया और बाद में ऑर्थोपेडिक सर्जन बने। आपको बता दें कि जहां से वो पढ़े उसे बाद में वहीं पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 2021 में प्रिंसिपल भी बन गए। इससे पहले वो कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज में वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर संदीप घोष के जीवन में 9 अगस्त की सुबह से बड़ा बदलाव आने लगा जब उनके कॉलेज में एक महिला डॉक्टर की लाश मिली। आपको ये भी बता दें कि पहले आत्महत्या बताए जा रहे मामले के दुष्कर्म के बाद हत्या की बात सामने आने के बाद तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई। बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस पर आक्रोश होने लगा और ममता सरकार ने आनन फानन में डॉक्टर संदीप घोष से प्रिंसिपल पद से इस्तीफा मांग लिया, लेकिन तुरंत ही उन्हें प्रतिष्ठित कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। इस जल्दबाजी भरे फैसले पर कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा चुके हैं। महिला डॉक्टर का शव सामने आने के बाद संदीप घोष की कार्यशैली और फैसले पर भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठे। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर अली ने डॉक्टर संदीप घोष पर वित्तीय अनियमितताओं के साथ लावारिस शवों के सौदे जैसे अन्य गंभीर आरोप भी लगाए। आपको बता दें कि बंगाल सरकार ने सोमवार देर रात उनके खिलाफ पुराने मामले में एक साल बाद न केवल FIR दर्ज कर ली बल्कि एक SIT का गठन भी कर दिया। कोलकाता पुलिस ने भी डॉक्टर संदीप घोष को पूछताछ के लिए बुलाया। उन पर मृतका की पहचान उजागर करने का मामला भी है। जब महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की बात सार्वजनिक हुई तो डॉक्टर संदीप घोष पर पीड़िता पर ही दोष मढ़ने की बात सामने आई थी। इससे इनकार करते हुए संदीप घोष ने कहा कि वो पद से इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि अपमान सहन नहीं कर सकते हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद ही उन्हें दूसरे कॉलेज में अहम पद मिल गया और बस यहीं से उनके और ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और आरोपों का दौर तेज हो गया। विपक्षी दलों ने कहा कि अपने प्रभार वाले मेडिकल कॉलेज में इतनी दरिंदगी वाली घटना के बाद भी कॉलेज के प्रिंसिपल को इनाम दिया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी ये सवाल हुआ कि अप्राकृतिक मौत का मामला क्यों दर्ज किया गया जब मृतका उसी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर थी, तो प्रिंसिपल और अस्पताल ने आधिकारिक शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई और ये अति गंभीर लापरवाही है जो संदेह पैदा करती है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को स्वास्थ्य विभाग ने अब नेशनल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पद से हटा दिया है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम ने बुधवार रात यह घोषणा की और माना जा रहा है कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार की ओर से जो रिपोर्ट जमा की जानी है उसके मद्देनजर यह कार्रवाई हो सकती है।